हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम सभी यहाँ पे ठीक है। तो अभी आई थी मैं अपने खेत में लहसुन की सिंचाई करने, तो अभी मैं बावड़ी के पास आई हूँ। देखती हूँ कि बावड़ी में कितना सा पानी बचा है, क्योंकि जो मैंने पाइप वावी से लगाई खेत की और उसमें पानी बहुत कम निकल रहा था। तो जब मैं ऊपर आई देखने के लिए तो वहाँ पे लोग कपड़े साफ कर रहे थे। तो मैं आपको थोड़ा सा बैक कैमरे से यहाँ का व्यू भी दिखा देती हूँ। और देखिए गाँव में लोग कैसे पौराणिक तरीके से काम करते हैं। अब तो बहुत सारे मशीनें वगैरह भी चल पड़ी है, लेकिन ये लोग अभी भी हाथ से साफ कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और ये यहीं से पानी की बाल्टी भरकर भी घर को ले जाते हैं पशुओं के लिए और खुद भी नहलाने नहाने के लिए भी। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये जो बावड़ी है ये भरी थी पानी की। तो मैंने भी यहाँ पे कुछ पाइप लगाई थी, तो कुछ मैंने लहसुन की सिंचाई के लिए पानी नीचे पाइप के द्वारा खींच लिया और कुछ यहाँ पे लोग अपने कपड़े साफ कर रहे थे। तो आजकल गर्मियों का सीजन है, पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो ये देखिए इन लोगों ने यहाँ पे कपड़े साफ कर लिए। और ये हमारे गांव से ये मेरी भाभी जी लगते हैं। तो देखिए इन्होंने साथ साथ में कपड़े भी अपने धो लिए और सूखने भी ऐसे पेड़ों पर इनको लटका दिया। जब ये थोड़ी देर में अपने कुछ और कपड़े साफ करेंगे, तब तक ये कपड़े इनके जो इनका पानी है वो बिल्कुल नीचे निकल जाएगा और इनको घर ले जाने के लिए आसानी हो जाएगी और ये कपड़े इनके काफ़ी हल्के हो जाएंगे। नहीं तो ये गीले कपड़े, चढ़ाई में इनका घर है ऊपर जैसे पहाड़ी पे, तो इनको ले जाने में दिक्कत आ जाएगी। तो ये कपड़े भी, इनका पानी काफ़ी निकल चुका है। मैंने आपको इनको पिछली वीडियो में भी दिखाया था, एक दिन ये अपने वो बकरियों को चुगा रहे थे, तो मैंने इनको एक दिन भी दिखाया था, मिलवाया था आपसे। तो ये हमारे व्यूवर को हाय बोल रहे हैं, क्योंकि गांव के हर जो लोग होता है वो ऐसे ही शर्मसार होता है। मुझे भी कई दिन वीडियो में आने से पहले शर्म लगती थी, तो ये भी ऐसे ही शर्म महसूस कर रहे हैं। तो इन्होंने आप लोगों के लिए हाय कह दिया। तो ये देखिए मैंने आपको जूम करके थोड़ा सा अपने लहसुन का खेत दिखा दिया। तो अभी अभी मैं इसकी सिंचाई करके आई थी, पर तब भी देखिए अभी ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सूखा पड़ चुका है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है और धूप की वजह से एकदम से सूख जाता है। वैसे मैंने परसों भी इसकी सिंचाई करी थी। और देखिए धरती पे कुछ भी नहीं है कुछ और ऐसे पशुओं के लिए, जिसको हम ऐसे चारे के रूप में पशुओं के लिए कुछ लेके जा सकते हैं। तो अब मैं भी घर चलती हूँ, क्योंकि 11:30 बजे का टाइम हो चुका है। काफ़ी तेज़ धूप निकल चुकी है और मुझे अभी घर में बहुत सारे और भी काम करने हैं। तो आज मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि शाम से जब को ये इन दीवान को लेके आए हैं, तब से कोई बिस्तरे की सेटिंग, कोई किसी चीज़ की, कोई किसी चीज़ की, कभी झाड़ू कभी पोछा। तो मैं शाम से लेके अभी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और आज सुबह से अपने पहले किचन के काम, फिर काउच हट के, फिर दिन को आज तो मैंने रेस्ट भी नहीं किया। देखिए यहाँ पे अब मैंने थोड़ी सी सफाई भी कर ली और अपना हर काम पूरा कर लिया है। देखिए यहाँ पे हमने नए बेड बॉक्स लगा लिए और ये लगा लिया हमने यहाँ पे सिंपल बेड। तो ये अभी ये शाम को लेके आए थे इनको, तो हमने ये चेंज कर दिए। ये हमारे अपने पुराने रूम के थे, हमारे रूम के थे ये बेड पुराने, तो हमने उनको वहाँ से लेके आ गए हम इस रूम के लिए, और वहाँ के लिए लेके आए हम नए। और ये बन गया हमारा रूम। ये देखिए इसमें भी मैंने सफाई कर ली। और ये है बच्चों वाला रूम। और यह है बाहर वाला रूम। तो अभी यहाँ पे पानी गिर गया, तो मैं अभी पोछा लगा के ही हटी हूँ यहाँ से।
क्या कर रहा है हिमांशु? चलो नीचे चल के इससे बात करते हैं थोड़ी बहुत, आपको याद आ रही होगी इसकी। चलो बात करते हैं। तो ये जो है यहाँ है गेहूँ जो अभी अभी पकी है, बस वही गेहूँ है। बात कर रहे हैं, धूप लग रही है, अब कर जुखाम आ रहा, ठंडा पानी पीता ना, पता क्या बोल रहा है कि मैंने 4-5 दिन खुद कुल्फी जमाई फिर मैं उसको खा गया, फिर बोल रहा है कि ज़्यादा थोड़ी ना खाई, 3-4 ही खाई फिर जुखाम आ गया। 3-4 कोई कम होती है यार। अभी क्या कर रहा है तू? खेल लो, मतलब खेल रहा है। चलो चलते अपनी बकवास कर अब। नहीं 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 नहीं, एक बोलता है ना मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, बोलता है तू अपनी बकवास बंद कर। हाँ क्या बोल। तो अभी यहाँ का व्यू जो है बहुत ही सुंदर आ रहा है, और तो यहाँ पे मम्मी जो है हमने फ्रास्पिन लगाई थी काउशाट के पास, उसी को मतलब क्या कर रहे हैं, निराई कर रहे हैं उसकी, और कितनी बड़ी बड़ी हो गई हमारी ये फसल। और ये है साथ में ही नींबू का पेड़। और ये हमारा केला। दुकान के पास जहाँ हम हमारे खेत है बस वहीं आए हैं हम। और ये जो ये यहाँ कांटे वगैरह इकट्ठे किए गए हैं ये जलाएंगे, पर आज नहीं कभी और दिन। और मम्मी नीचे पता नहीं क्या कर रहे हैं, चलो इन्हें भी देख कर आते हैं।
एती नहीं, एती 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 तो पानी एती पांचू हाँ पांचू एती दो एती पाई एती एती दो एती एती नहीं बस तुम जी क्या बता इतनी वाली इतनी 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 आ अबे इतनी भी तो पार नहीं हो पानी पार इतना नहीं हो पानी ना हो अम्मा ते ओ पानी लाओ पाला ते दे लो फिर पानी दे यानी पांचू पांचू यानी देना पानी वहां देना वहां उसको उसको दो पानी इजनी आगे जो इजनी आगे इज दे पांचू इज दे पानी जा जा थोड़ा लाओ पानी आजा क्या जो देना तुझे पानी एक जो देना एक जो दे छोटा जो बच्चे जो दे पानी थाले सटी या मोलो दे एती छत एती 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 नी एती यार एती मोलो दे एती दे ना एती दो पार 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 दो पांचू आ क्या देना तुझे पानी ठीक है ये फ्रेंडशिप कितने अच्छे से पानी दे रही है यहाँ और ये जो है ना फ्रेंडशिप वो हर कहीं पानी फेंक रही थी तो मुझे इसे बताना पड़ रहा था कि यहाँ फेंको पानी और छोटे छोटे बच्चे बहुत मासूम होते हैं इनको बताना पड़ता है तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो और ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा मैंने इस ब्लॉग में छोटे छोटे बच्चों को कैप्चर किया है तो बहुत ही मासूम थी ये प्रेंशी थी नहीं है अभी भी और यहीं पे हम वीडियो का एंड कर रहे हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे तब तक बाय तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए जिससे आपका सपोर्ट हमें दो गुना और मिले तो बाय